दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध लई एक होर पार्टी अखाड़े विच आ गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका जनरल सकत्तर दिल्ली सिख कौंसल नां दी पार्टी लैके आए ने। बलबीर सिंह का दावा है कि वह सिख कौम की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वक्री पार्टी का गठन किया है। इस तो स्पष्ट हुंदा है कि हुण अगलिया सिख गुरुद्वारा चोणां दौरान वह हिस्सा लैणगे। दस दिए कि बलबीर सिंह श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई तो चोण जीते सन अते कमेटी के जनरल सकत्तर बनाए गए सन। दिल्ली सिख कौंसल साड़ी पार्टी का नाँ है और साड़ा मकसद है कि जड़े सिख साढ़े अज कोशिश करते हैं कि दिल्ली कमेटी में जाइए कोई अपनी गल करिए, तो जदों कोई काम पूरा नहीं होता तो उन्होंने कोशिश होंगी सामने वाली पार्टी को जाइए, तो जदों सामने देखिए तो कोई पार्टी नज़र नहीं आती, तो सानू इत्थों आके संगत ने मजबूर किया कि तुसीं एक कौंसल बनाओ और ऐसी कौंसल जिहदे दरवाजे हर वेले दिन रात साढ़े वास्ते खुले रहन, तो असी उस करके कौंसल बनाइए ताकि आम सिख के जाके असी अपनी गल कर सकीए, आम सिख की असी मदद कर सकी। सरना साहब की पार्टी छड़े 7-8 महीने हो गए सानू और इन बिटवीन साडा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया उन्होंने। इलैक्शन तो हाली दूर है काफ़ी, 4-5 साल दिल्ली सिख गुरुद्वारा पर मैनेजमेंट कमेटी के इलैक्शन पे ने, वो तो काफ़ी दूर है, जो तो समा आएगा उदो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल साड़ा मकसद सिर्फ केवल तो केवल सेवा करना है। खबरों की दुनिया में आओ साढ़े नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।